सभी दोस्तों को नमस्कार, का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि बिहार स्टेट का उच्च माध्यमिक का पेपर हुआ है, मेरे पास मेरे साथियों ने मुझे पेपर भेजा है, उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी पेपर को आज हम लोग ये देखेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है। उच्च माध्यमिक केमिस्ट्री का पेपर है, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें गलत जा रहे हैं, इस पर हम थोड़ी सी एनालिसिस करें। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्वेश्चन गलत है उसको आप इसमें बॉक्स में डालिए कि सर ये क्वेश्चन गलत है। आपको मैंने मैसेज भी डाला था कि जो क्वेश्चन गलत हो उसका क्वेश्चन नंबर अगर आप डाल देंगे तो मुझे बहुत आराम रहेगी उसी पर पर्टिकुलर फोकस होने का। देखिए, द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, इसमें वेंडर वॉल गैस इक्वेशन कौन सा बिहेवियर एक्सप्लेन करती है? तो आपको पता है कि वेंडर वॉल गैस इक्वेशन रियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई जवाब मतलब ऐसा नहीं कि गलती हो, बिल्कुल सही चल रहा है। इसी को अगर हम लोग आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड पर देख लेते हैं। द गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट इसीलिए होती है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। यानी कि बी ऑप्शन सही दिया है। हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कौन सही है कौन सा गलत, और बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये बॉयल्स का लॉ है, तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ एनालिसिस होगी सही और गलत की। इसमें अगर आपको कोई लगता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा, ये जो डेविएशन है एक्चुअली में ये मीन पर जाना चाहिए और ये मीन डेविएशन है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया है केवल मीन, तब तो ये मीन डेविएशन है। लेकिन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन जब चलता है तो इसका मतलब है कि वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ही किया जाता है, इसीलिए इन्होंने आंसर स्टैंडर्ड कंडीशन का लगा रखा है। ये बात आप जान लो, देखो दिया है ना। इसके बाद आ जाइए, ब्रेक्स मैंने पढ़ाया था, ब्रेक्स इक्वेशन, तो ये बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे है, तो यहाँ पर दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, ये दिया है पहला ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन सही दिया हुआ है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन 6 पे आ जाइए। एक्स रेज हैव द लार्जर वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्स रेज हैव लार्जर वेवलेंथ, तो गामा से तो ज्यादा वेवलेंथ इनकी है, अल्फा एक्स रेज की वेवलेंथ गामा से ज्यादा है, बीटा से ज्यादा नहीं, माइक्रोवेव से भी ज्यादा नहीं, क्योंकि तो आपको कॉस्मिक रेज और एक्स रेज, एक्स रेज हैव द लार्जर वेवलेंथ देन द, है ना, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पर गामा आना चाहिए। हमने उसका एक्सरे किया, आपको याद होना चाहिए, उधर से मेरी माँ आ गई, है ना, मैंने अपना रेडियो माइक्रोवेव ओवन में रख दिया, जो उसमें धीरे धीरे माइक्रोवेव ओवन में रख दिया, जो धीरे धीरे बैगनी रंग के बैगन में बदलने लगा और उसमें लगे शीशे से विजिबल हो रहा था, उधर से मेरी माँ आ गई, उधर से मेरी, हमने उसको निकाल कर उसका एक्सरे किया, उधर से मेरी माँ आ गई, गामा माँ आ गई, तो यानी गामा कम हो गया ना, तो यही लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप अरेंजमेंट का ऑर्डर देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ऑर्डर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। 7 क्या कहता है वो भी आपको दिखाता हूँ। मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्स द ब्रैग डिफ्रैक्शन, तो अगर मिनिमम पे देखते हो तो फिर लैम्डा बाई 2 हो जाए, इससे नहीं, आधा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हाफ दिया, यहाँ पर भी हाफ दिया है, यानी कि मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग गैप जो है वो आधा किया जा सकता है ना, वो पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ द रिएक्शन काइनेटिक्स, देखो इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, इस पे लोगों ने क्लेम किया कि सर ये गलत है ना। द स्टडी ऑफ द काइनेटिक्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द काइनेटिक्स। ध्यान दो, इस काइनेटिक्स का मतलब है कि हम उसके मैकेनिज्म को भी जान रहे हैं कि आखिरकार भाई काइनेटिक्स का मतलब ये थोड़ा ना केवल हम रेट पता कर लें, दैट इज काइनेटिक्स ना, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर भी काइनेटिक्स में ही आते हैं। ये डेफिनेशन बहुत लोग गलत करते हैं यार, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन। इन स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट इज
रेट ऑफ रिएक्शन तो पता करेंगे, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के साथ में कैसे हुई इस बात को भी हम लोग मैकेनिज्म में काउंट करते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स में लाते हैं। अभी तो बताते हैं ये स्लो है ये, अरे यार ये बताओ स्लो फास्ट स्टेप कहाँ से आई, यहीं से तो आई है। आपने कैसे पता कर लिया कौन सी स्टेप स्लो है कौन सी फास्ट, तभी तो रेट पता करते हो, ऐसी रेट पता कर लेते हो। सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही। नाइन्थ वाले पर आइए, नाइन्थ वाले पर जब आप आएंगे, प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट्स कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट, आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टेम्परेचर और रेट कॉन्स्टेंट के बीच में करते हैं, रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है बिल्कुल, रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर, सी ऑप्शन सही। कैटलिसिस की बात ही नहीं हो रही, जनरल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज ही नहीं होता है। रेडियोएक्टिव डिके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पता है आपको, सही है बिल्कुल सही दिया हुआ जवाब है। यहाँ पर कोई इफ और बट नहीं चल रहा है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जहाँ गलती होगी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेपर मिनिमाइज और करूंगा क्योंकि इसमें जो है पूरा क्वेश्चन आ जाए। देखो ऑप्शन भी दिखने लगे, ऑप्शन भी दिखने लगे तो थोड़ा ठीक लगे। थोड़ा सा सेट कर दूं ये, इतने पे कर दूं, इतने पे, ठीक है अब सब। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं द रेशियो ऑफ द रेट रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एट टू टेम्परेचर डिफर बाई, तो 10 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने खूब चिल्ला के बताया था, आप याद करिए कि रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो ये चीज आप याद रखो, मेरी बातों को याद रखा करो। आपको बिहार का जो फेज टू का एग्जामिनेशन है, इस फेज टू के एग्जामिनेशन को भी अगर क्वालिफाई करना है तो एस्टेट का मेरा बैच ले लो, इसी में ही ऐड कर दूंगा सब, इसी में ही सब ऐड कर दूंगा। रिकॉर्डेड मटेरियल आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड मटेरियल में डाल दूंगा, देख लीजिए, फर्स्ट क्लास आपके नटन निकल जाएंगे, और 2 महीने बाद रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द इरिस्पेक्टिव स्पेसीज ऑफ वेदर दे आर आयनिक, हाँ बिल्कुल सिंपल सही है, सी ऑप्शन ही इसका सही है, सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है नंबर पे डिपेंडेंट करती है। तो क्वेश्चन देखिए और समझिए, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, 100% राइट है, कोई इफ और बट क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव है, एलिवेशन वाली फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन नॉन जीरो, जीरो कहाँ नहीं होगी, तो आपको द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन जीरो, जीरो कहाँ होगी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं तो ये रिवर्स रहती है ना, जितना 3O2 एटम बराबर रहते हैं ना, बराबर की वजह से यह मामला है भाई, अगर हम रिएक्शन को देखते हैं तो बराबर की कंडीशन चलती, इसीलिए ये नॉन जीरो रहती है, ये बात ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो आती है यहाँ। एंथैल्पी ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव वैल्यू आती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है बिल्कुल सही जवाब चल रहा है अभी तक। अभी जो क्वेश्चन क्लेम करने लायक हो तो वो आप इनबॉक्स में डा करके डाल दीजिएगा, तो इनबॉक्स में जब आप डाल देंगे ना क्वेश्चन तो फिर मैं आपको वहां पर बताऊंगा अभी। अगर और मेरा नंबर अगर आपको जानकारी में है तो नंबर नोट कर लो कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर इसमें डाउट है, नंबर नोट करो 94 73 70 27 11, मैंने एक बार डाला थी कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट, अब आपको इतना टाइम नहीं कि आपको पता हो कि सर को बताएं, अरे बता दो मुझे क्वेश्चन कौन कौन से डाउट है, मैं आपको बता दूंगा। गिब्स हेलमोंट्स फ्री एनर्जी को वर्क फंक्शन के फॉर्म में डालते हैं, गिब्स हेलमोंट्स फ्री एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, गिब्स फंक्शन नहीं कहलाता, वर्क फंक्शन कहलाता है, तो ये बात ध्यान दो, ये भी ठीक है क्वेश्चन, गलत नहीं है, 17वां क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद चलिए, एट ए सर्टेन टेम्परेचर 50% HI डिसोसिएट हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होना चाहिए,
अगर 2 से डिवाइड कर दो 50% 0.5 हो गया, 0.5 को 2 से डिवाइड करो 0.25 आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। मैंने आपको एक सेकंड में बता दिया, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू एडिंग द हीट टू द सिस्टम ऑफ ए सॉलिड, हीट ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विल कॉज सिस्टम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड में ऐड किया, ठीक है, हीट किया तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी सॉलिड घटेगा, सॉलिड का अमाउंट घटेगा, लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, सही दिया है। बर्फ का एग्जाम्पल ले लो, अपने आप पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल, अगर कंसेंट्रेशन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी फॉरवर्ड जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्सिबल है, रिमेंस द सेम, बिल्कुल सही दिया हुआ। ये क्वेश्चन और भी किसी कॉम्पिटिशन में भी आया था। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग टू और मोर फेजेस एट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाई, अगर इनको डिटरमाइन करना है डिफरेंट फेजेस को, तो मेरे हिसाब से फिर आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए गिब्स फ्री एनर्जी पता कर लेनी चाहिए। है कहीं एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ, तो मतलब नहीं एंट्रोपी, मतलब नहीं अमंग द टू फेजेस है, तो गिब्स एनर्जी पता कर लो, तो आपको फेज इक्विलिब्रियम पता लग जाएगी। बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जीज ऑल द फेजेस, तो ये तो इक्विलिब्रियम पर टोटल गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या हो जानी चाहिए, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से जो जवाब है वो आना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल द फेजेज इज मिनिमम ही होगी, मैक्सिमम नहीं, क्योंकि तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, उससे पहले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए फिर आ जाते हैं अपनी बात पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाइए। फॉर ए लिक्विड लिक्विड केस व्हाट इज द फेज इक्विलिब्रियम, तो यानी कि जितना भी अगर लिक्विड लिक्विड केस है, तो इसके केस में आपको मतलब दो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है मेरे हिसाब से सरफेस टेंशन, तो वहां पर पार्टीशन कोफिशियंट भी पढ़ा होगा, है ना, तो फेज इक्विलिब्रियम में वहां पार्टीशन कोफिशियंट या रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वही चीज यहां पर कैलकुलेट की गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आपको गलत लगे तो बताइए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, कमेंट डालिए, तो मैं फिर उस क्वेश्चन पर बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर वैल्यू जीरो होती है, तो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ई नॉट इज जीरो, ई नॉट जीरो होता है, ट्रांसफर तो कोई होता नहीं है, ठीक है, यही आएगा, सही है, ठीक है, आईडी में ठीक दिया है। क्यू इज इक्वल टू एन एफ, बिल्कुल सही होता है, करेक्ट रिलेशन तो यही है, अगर आपको जानकारी है तो करेक्ट रिलेशन यही है। 26 पे आइए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोला जाता है, अगर आप जानते हो तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट हो गया, वट इज, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये मेरे टेस्ट का पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था जो मैंने करवाया था, ठीक है, याद करो इसे। वट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर द वैल्यू ऑफ ई वाई एम, ई वाई एम की वैल्यू क्या है, तो ई वाई एम जो होगा, अब आप याद करो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ई अपॉन एम, अगर हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, चार्ज यहाँ जीरो है, यहाँ चार्ज वन यूनिट चलता है, यहाँ भी वन यूनिट, यहाँ दो यूनिट चार्ज, मास इसका लगभग 1.672 के आसपास होता है, 75 के आसपास होता है, बाकी टू होता है इसका, इसका 1.672, तो ई वाई एम रेशियो सबसे कम इसी, भाई अब यहाँ पर हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे कम तो ई वाई एम रेशियो इसी का आना चाहिए,
उसके बाद आना चाहिए आपका अल्फा पार्टिकल। देखो टू आ गया ना यहाँ पर, टू बाई, और यहाँ पर हो जाता है इसका मास, अगर आप नोट कर लो तो मास आपका कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम का मास 2He4 होता है, 2He4। तो न्यूट्रॉन मास निकाल लीजिए, इसका मास लगभग 4 टाइम्स आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के मास, ये 9.3 समथिंग होता है। तो अगर आप इसे जानना चाहो तो मैं एक बार इसे कंफर्म भी करे दे रहा हूँ कि आखिरकार न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ई, इस पे शायद हो सकता है आपको डाउट हो, इस पे हो सकता है आपको डाउट हो। तो ऐसी संभावना मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि ये क्वेश्चन शायद कुछ लोगों ने डाउट पर भेजा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं चेक करके भी आपको बता सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर ना निकाल लेना, इंक्रीजिंग, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ द ई एम बाई एम, इसको मैंने आपको बता दूंगा कि आखिरकार इसका कैसा आंसर होगा, क्या होगा, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बताइएगा। वैसे ऑर्डर तो इसका ये सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर, भाई जिसकी नीचे वैल्यू ज्यादा होगी ऊपर कम होगी वही सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, सबसे ज्यादा आएगी तो ई ई की ही ज्यादा आनी चाहिए। ठीक दिया है वैसे आंसर, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे बताइएगा तो मैं आपको कैलकुलेशन करके व्हाट्सएप कर दूंगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विल बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ, क्योंकि प्रोटॉन पे डिपेंडेंट होती है। उसके बाद 29वां आ जाइए, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, यही आएगा ना। देखो 6 4 10, दोबारा 6 18 10 28, बिल्कुल सही, 4s2, ये हो गया आपका 28 का। ठीक है, बिल्कुल सही कन्फिगरेशन है, कोई डाउट नहीं। इस पे आइए, अकॉर्डिंग टू द मोजले आई स्टेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेंड, ये इस बताता है कि स्क्वायर रूट जितनी फ्रीक्वेंसीज का है वो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज निकाली गई उनके स्क्वायर रूट पे जाता है। कोई ऑप्शन देख लो यार, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्स रेज ऑफ द एलिमेंट अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, सही है, बिल्कुल सही दिया हुआ। यहाँ पर भी ऑप्शन गलत नहीं जा रहे, जो गलत है वो बताइए। द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रेज के कहाँ पर आता है, सेकेंड पीरियड में आएगा ना, आर 10th नियोन है ना, तो नियोन सेकेंड ही पीरियड का एलिमेंट है। ठीक दिया है, बिल्कुल सही दिया है, जो सही है उनको सही मान लीजिए, बाकी जहाँ गलत देखो। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर, बिल्कुल ऑर्डर में है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, गलती हो गई है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेंस्ट इट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है कमी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही यही गलत है। ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये वैल्यू क्लोरीन के और फ्लोरीन में अंतर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं लगा है, करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्लोरीन की करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द एलिमेंट, नेगेटिव साइन, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो किसकी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनमें सब की किसकी होगी, क्लोरीन, क्लोरीन में तो क्लोरीन की होती है, बात ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को मैं लाइन से लिखता हूँ यहाँ थोड़ा बताने को, ओ एस एफ सी एल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आराम से थोड़ी कम एनर्जी रिलीज करेगा वन, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा एनर्जी खट से खींच लेगा, ज्यादा हो गई इसकी। ठीक है, करेक्ट हो गया। सल्फर क्या करेगा, थोड़ा साइज बड़ा है, कम वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसके बाद सल्फर हो गया। क्लोरीन तेजी से खींचेगा लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा इसका, है ना, तो इलेक्ट्रॉन में फ्लोरीन, ये वाला ऑप्शन यहाँ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक ऑर्डर, फिर ये नहीं, ये क्वेश्चन डाउट, क्वेश्चन नंबर 30 डाउट में चला गया। यहाँ पर फ्लोरीन की वैल्यू जो है
वो इधर आनी चाहिए, क्लोरीन की वैल्यू इधर आनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउट, चलिए हटाइए इसको, देख लीजिएगा आपको लगता है कि डाउट है कि नहीं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द 90 डिग्री एंगल्स बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन sp3d2 में ही होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद चले आइए, इसके बाद चले आइए, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं उन्हीं पर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। शेप मॉलिक्यूल की इसी पर डिपेंड, NaCl का जो रेडियस रेशियो होता है वो पॉइंट इन NaCl का रेडियस रेशियो 0.5 के आसपास, ठीक है, सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए, क्योंकि वही वैल्यू के बीच में आ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आइए, हो गया ना। इसके बाद आइए, विच ऑफ एनलिस्टेड कंपाउंड स्टैंड स्लेक्ड लाइन, सभी जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंसीडर्ड एज स्लेक्ड लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरहेलोजन कंपाउंड, इंटरहेलोजन कंपाउंड जैसे ICl है, ये सब पेयर्ड हो जाते हैं ना, पैरा तो होते नहीं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो पैरा तो होते नहीं, डाया होते ना, ठीक है, डाया हो गया, अनपेयर्ड होंगे नहीं, पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो भाई। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 16 ग्रुप को कौन बिलोंग नहीं करता है, तो 16 ग्रुप को ऑक्सीजन बिलोंग करता है, फॉस्फोरस नहीं करता, ये 15 को करता है, 15 को करता है। विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो कौन सा है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, 3 से 12 आएगा, 3 से 12, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, 3 से 12 डी ब्लॉक के एलिमेंट, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी रॉन्ग गया, 3 से 12 आएगा, सी ऑप्शन आना चाहिए, इस पर भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, विच ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो sp d आना चाहिए यहाँ पर, ये डी, यहाँ सी ब्लॉक दिया हुआ, डी ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक आएगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव डी ब्लॉक ही आएंगे, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात हो रही है तो s ब्लॉक भी आंसर नहीं, s ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक तो ट्रांजिशन है, वेरी करते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो s ब्लॉक आना चाहिए, s ब्लॉक के सबसे ज़्यादा आना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव यही होते हैं सबसे ज्यादा, बाकी डी तो है ही, लेकिन डी ऑप्शन भी नहीं दिया है ना, डी ऑप्शन भी नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग चला गया, कितने क्वेश्चन हुए रॉन्ग, इस बात को आप पूरा जानकारी ले रहे हैं, बाकी आप अपना आइडिया व्यू दीजिए। इसके बाद, विच ब्लॉक एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो पी हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए, बिल्कुल राइट जवाब है। इसके बाद चले आइए, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने यह बात समझी, बिल्कुल सही जवाब है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने यह बात बताई थी, बिल्कुल सही। इसके बाद, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्राइमरी बैलेंसी आयनाइजेबल होती है, ठीक है, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं सही, ठीक है, बिल्कुल सही, प्राइमरी बैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल है। इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, तो जहाँ पर आपको हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ये एक्सेप्शनल केस है, हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन वाला एक्सेप्शनल है ना, टेट्रासाइनो, यहाँ लिगेंड देख लो, एमीन सिल्वर वाला, ये भी आपका यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी, तो टेट्राअमीन जिंक वाला कंपाउंड, क्रोमियम वाला एक्सेप्शनल केस है, यहीं पर यही होगा, ठीक है, ये तो ठीक। उसके बाद, एज पर आर्हेनियस कंसेप्ट, वीक एसिड अमंग दीज इज, वीक एसिड कौन है, तो मेरे हिसाब से SCN वीक है, ठीक दिया है।
ये भी ऑप्शन ठीक है, जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एज पर द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, अ बेस इज सब्सटेंस, अ बेस इज सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो एच पॉजिटिव देता है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, बेस जो एच पॉजिटिव लेता है एक्सेप्ट प्रोटॉन, एसिड जो होता है वो एसिड जो होता है वो देता है और बेस लेता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज कैन एक्ट एज ए लुइस बेस। लुइस बेस कौन सी होंगी, एक तो नेगेटिवली चार्ज होंगी, एनायन होंगी, न्यूट्रल भी हो सकती है, लोन पेयर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। तो नेगेटिव स्पेसीज एनायन, न्यूट्रल स्पेसीज लोन पेयर एक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिया, सही दिया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ग्रीन हाउस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन ग्रीन हाउस है, वाटर वेपर, ओजोन, ये ग्रीन हाउस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, मीथेन ग्रीन हाउस में आती है। फोटो केमिकल स्मोग अकर इन द वार्म कंडीशंस, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में जब होता है तो उस कंडीशन में इन्होंने कौन सी कंडीशन ले रखी है, SO2। क्वेश्चन पढ़ने में द फॉलोइंग कंपोनेंट फोटो केम आइडेंटिफाई, ये समझ में आया, एक बार और देखना पड़ेगा। फोटो केमिकल स्मोग अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फॉर कंपोनेंट, कौन नहीं होता, SO2 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर SO2 बिल्कुल सही, SO2 नहीं होती है, बाकी सब होती है। चलिए ठीक हो गया, इसको भी आप लगा लीजिए राइट वे में लेते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पर पहुँच गए हम उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक का जो मेन कंपोनेंट, सनलाइट तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन मतलब ये कह क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द क्लासिकल स्मोक, इट्स मेन कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड बाई द एक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन द इमिशन। यही है, मतलब ये सत्य नहीं है कि केवल एक ही जगह से मिले, बाकी जगह से भी मिल सकता है। ठीक है, यही मतलब गलत है ये स्टेटमेंट, यही नहीं कि केवल यही मिले, ऐसा नहीं। ठीक है, यही आंसर है इसका, ये होगा। चलिए इसके बाद आ जाइए, ये बायोकेमिस्ट्री से चला गया क्वेश्चन, इसके बाद आ जाइए बायोकेमिकल। बायोकेमिकल BOD मैंने बताया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पढ़ के जाइएगा, मैंने बोला था बिहार वालों को BOD पढ़ के चले जाइए, वीडियो देखिएगा लास्ट में। इसमें मतलब ये ऑक्सीजन की डिजोल्व वैल्यू को बताता है, रिच इन डिजोल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व है उसकी जानकारी ये देता है। SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पजेस SP3, तो एस फोर्थ करेक्टर होगा, 1/4 करेक्टर होगा, है ना, SP3 33% होता है ना, तो 1/4 एस करेक्टर दिया है ना भाई, आप दे दो SP3 ऑर्बिटल, SP3 दिया है ना, SP3, तो SP3 में चार हिस्से कर दो, तीन तो यही हो गए चार, 1/4, 1/4, तो ये हिस्सा हो जाता है, यानी कि 30, ये लगभग 25% आता है, तो वही वही आ जाता है। ठीक है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ होगा ये भी सही है। इसके बाद द नेचर ऑफ द इंटर मॉलिकुलर फोर्स, बेंजीन मॉलिक्यूल का डिस्पर्जन फोर्स होगा, डिस्पर्जन फोर्स होगा, ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज हाइएस्ट इन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा बेंजीन में ही होती है, बिल्कुल सही है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर, तो कॉन्जुगेटेड की साफ ही बात कह दी है, तो यहाँ पर मोनोसाइक्लिक की भी बात करें तो बड़ा सा, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे 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 करके जो आते हैं, आपको याद बनवाया था मैंने, एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको बनवाया होगा तो याद करो, है ना, ये हो जाता है इस तरीके, ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, और एक बॉन्ड आता है लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, उसके बाद आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल, तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया, न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बढ़िया, न्यूक्लियोफाइल की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव करेगा, तो एसिटाइल क्लोराइड इसलिए करेगा क्योंकि इसके पास ये हिस्सा प्लस हो जाता है और ये हिस्सा Cl हो जाता है नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ यही करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्कोनी कॉफ रूल अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ द, तो फिर सिर्फ यही है कि अप्रोच मतलब
इंटरमीडिएट की कार्बोकैटायन की वजह से ही होती, ठीक है। फ्री रेडिकल अगर देखोगे तो खैर ऐसे इफेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, मतलब एंटी मार्कोनिक कंपाउंड विच कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ईएन वाला ढूंढ लो, डायस्टीरियोमर्स दिया है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कौन सा 1.2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, 1.2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, सही है। ट्रांस भी शो करता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हो ही गया, ठीक है सही है। टार्ट्रिक एसिड केवल ऑप्टिकल शो करता है, मैलिक एसिड ऑप्टिकल, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कायरल, इसमें कायरल कौन सा है, कायरल कौन सा है, स्पून, फॉर्क, फॉर्क नहीं होगा, ईयर, कान उल्टे हो जाएंगे, ठीक, हैमर, स्पून, स्पून इधर उधर से देखो, ठीक। यानी कि अगर हम लोग ये हैमर बना देते हैं, ये मैंने हैमर बना दिया, तो ये मैंने हैमर, तो ये बीच से कट करोगे तो बीच से बाइफरकेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कान बना देता हूँ तो ये कान गड़बड़ कर जाएगा, ये दोनों साइड नहीं बराबर है, इसके फॉर्क बराबर आ जाएगा, ठीक सही। हो गया ईयर, ठीक। इसके बाद चलिए, स्मॉलेस्ट एल्केन हैविंग थर्ड कार्बन इज, स्मॉलेस्ट एल्केन हैविंग 3 डिग्री कार्बन, तो आइसोब्यूटेन अगर मैं बनाता हूँ, 3 डिग्री कार्बन आइसोब्यूटेन में है, बिल्कुल है, 3 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री कार्बन होता है, क्योंकि वो 3 डिग्री ही कंसीडर किया जाता है आइसोब्यूटेन वाला, लगता आपको होगा, गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, कार्बन की बात कर रहा है। उसके बाद चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द सिंगल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, तो सिंगल मोनो साइक्लोप्रोपेन ही बनाएगा, इधर चार्जिंग लगा दूं, चार्जिंग लगा, इसके बाद आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन, देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग कर रहा है, कर जा रहा है ना, इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग भी है, तो ये इसमें टाउ बॉन्ड दिया है ना, ये वाला बॉन्ड दिया है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बॉन्ड ना, टाउ बॉन्ड दिया हुआ है, लेकिन टाउ बॉन्ड बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं लग रहा है, इस पे भी आप देखिएगा, इस क्वेश्चन पर सस्पेंशन है, इस क्वेश्चन पर भी सस्पेंशन है, कन्फ्यूजन है। ये जितने भी बॉन्ड होते हैं अगर आप नोट करना चाहोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन दिया है ना, साइक्लोप्रोपेन तो यही हुआ ना, तो ये भी कन्फ्यूजन में है, टाउ बॉन्ड नहीं होना चाहिए। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, टर्ट ब्यूटाइल 1,1 डाइमिथाइल इथाइल हुआ, टर्ट ब्यूटाइल की बात कर रहा है ना, तो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब हुआ 1,1 डाइमिथाइल हो गया, और ये हो गया आपका ये 1,1 डाइमिथाइल और आपका हो गया इथाइल, ठीक है। वैसे ये 2-मिथाइल प्रोपेन के नाम से प्रोपाइल भी कह सकते हैं आप इसे, सही है। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, अगर आप इसे कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, और या फिर यहाँ CH3 लगाना पड़ेगा ना, 1, 2, 3, 4 बैलेंस है, तो अगर आप इसे करो तो ऐसे भी कर सकते हो, या CH3 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 C, ऐसे भी लिख सकते हो, घबराना नहीं है, 1,1 है ना, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल बोला जा रहा है ना, वैसे अच्छा 2-मिथाइल प्रोपाइल ये भी हो सकता है ना, 1-2 मिथाइल प्रोपाइल, IUPAC नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी गलत लग रहा है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल गड़बड़ा जाए। देखिए हमने अगर मान लीजिए कहीं पर ये ग्रुप लगाया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे करके 2 लगाओ और यहां पर CH3 लगाओ, 1, 2, 3, 4 ये ऐसे लगाओ, अब यहां पर CH3 CH3 ये ग्रुप कहीं लगा हुआ है, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हो जाएगा, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, इसे टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं जुड़ा हुआ है, ग्रुप की बात कर रहा है, एटम की बात नहीं कर रहा है, सही है आंसर, ग्रुप की बात कर रहा है, ये किसी मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, ये बात ध्यान दीजिए,
की बात कर रहा हूँ, इसी कंडीशन में आए, नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी ना, 1 2 ठीक, जहां पे लगा है नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी। सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड कन्वर्ट ब्यूटाइन इन 1 ब्यूटाइन इन टू, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ब्यूटाइन अगर हम लोग लेते हैं और 2 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करते हैं तो इथेनॉलिक क्यूएच का काम हो जाता है, करते हैं, और NaNH2 अमोनिया, तो अगर हमें 16 करनी है तो फिर क्यूएच इथेनॉलिक ही लेना पड़ता है। ठीक है, सही है, और हीट कर दीजिए, सही है ये कन्वर्जन। अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप बताइएगा जरूर। द प्रेजेंस ऑफ द अनसेचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाई, तो बेयर्स रिएजेंट से डिटेक्ट करते हैं, सही, ये भी ऑप्शन जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। द इंडेक्स ऑफ द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ बेंजीन इज, तो ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की इंडेक्स 4 आती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए, एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद द सूटी फ्लेम बिकॉज उनके अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। द रेशियो ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ द फिनॉल, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फिनॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है बेंजीन के कंपेरिजन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस द वाइट प्रेसिपिटेट AgCl, जहाँ फ्री नहीं होगा, क्लोराइड फ्री जहाँ नहीं होगा, तो विनाइल में बॉन्ड बेंजाइल में हो जाता है, टेट्राब्यूटाइल में, हाँ इसी में नहीं होगा, विनाइल में कोई डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर, पानी से कौन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म पानी से रिएक्शन कर लेता है, बाकी रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाइए, रिएक्शन ऑफ द इथाइल बेंजीन विद एक्सेस ऑफ द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई ईथर, ये क्वेश्चन भी डाउट में है। 77, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथाइल बेंजोएट से रिएक्शन करानी है, तो ये हो गया C6H5MgBr ले लो आप, और इसकी रिएक्शन कराओ इथाइल बेंजोएट, यानी कि C6H5COC2H5 से इस वाले कार्बन पे आएगा, तो हमारे हिसाब से बेंजोफिनोन है कहीं पर दिया है, डाई फिनाइल बेंजोफिनोन ऑप्शन क्या दिया है, अच्छा ट्राई फिनाइल मिथेनॉल दिया है, दो बार रिएक्शन होती है ना इसकी, एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार ये जब यहाँ अटैक करेगा, चलिए चेक कर लेते हैं, तो बना C6H5C OO और यहाँ पर OC2H5 है, यहाँ पर भी C6H5 हो गया, और यहाँ पर आपका MgBr जुड़ गया, ये बॉन्ड हट जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये बॉन्ड हट जाता है, फिर इसको दोबारा करा दो इसी से रिएक्शन C6H5MgBr से, तो फिर आपका क्या करेगा, ये वाला ग्रुप जो है यहाँ से जुड़, जो कंपाउंड लिया गया है यहाँ से जुड़ेगा, और यहाँ से हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करा दें, पहले रिएक्शन करा दें, फिर ये बन जाएगा आपका Mg, यहाँ पर भी OMgBr आ जाता है, तो बन जाएगा प्रोडक्ट C6H5C, यहाँ पर आ जाएगा आपका हो गया OMgBr पहले से ही लगा था, फिर यहाँ पर C6H5 हो गया, यहाँ पर भी आपका OMgBr हो गया, और OC6 यहाँ पर आ गया आपका एक C6H5 और जुड़ गया, है ना, C6H5MgBr का जब अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड हो गया डबल, ये OMgBr हो गया। ठीक, तो ये कंपाउंड बना आपका C6H5 और यहाँ पर H2H लिया और यहाँ पर O लिया, बेंजोफिनोन आना चाहिए, ट्राइफिनाइल मिथेनॉल क्यों आ रहा है, नहीं सॉरी ये ग्रुप तो चला जाएगा ना इसके साथ में, तो यहाँ पर C6H5 आ जाएगा, तो ये ट्राइफिनाइल मिथेन, ठीक है, ट्राइफिनाइल मिथेनॉल आएगा, ये आ गया, फिर यहाँ से हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो HOH ट्राइफिनाइल मिथेनॉल, ठीक। तो यहाँ पर ठीक है, ये ट्राइफिनाइल मिथेनॉल ही बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, तो मैंने आपको 77 क्वेश्चंस बता दिए, इन 77 के अलावा अब बचे हुए क्वेश्चन हम आपसे कल डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें जितने भी डाउट हैं, जिन क्वेश्चंस पर आपको क्लेम करना है, जिन क्वेश्चंस पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, जिन क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि आंसर दो होने चाहिए, एक गलत है, इनको सभी इनबॉक्स में जाकर के कमेंट दीजिएगा, तो हम उसका समाधान भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये कहाँ पर मिलना। ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी है, फिर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप देखिए और इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा कि सर इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान दीजिए, तो मैं ध्यान